नमस्कार, मैं इप्सिता काव्यांजलि की इस महफिल में तहदिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। मोहब्बत एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के दिल में उथल पुथल मचा देता है, किसी से भी हो जाता है, डजंट मैटर कि वो एक एंटी सोशल है या फिर सोशल है, कभी भी किसी से भी हो जाता है। हम किसी को देखकर प्यार नहीं करते, उनकी हरकतों से प्यार कर बैठते हैं। तो आज मेरी कविता का शीर्षक है वो एक एंटी सोशल था। हाँ, वो एक एंटी सोशल था। दोस्त बनाना उसे कुछ खास पसंद नहीं था। मैं उससे बहुत अलग थी, दुनिया के साथ मशगूल रहती, बेफिक्र उड़ान भरती, रात के ख्वाबों को दिन में सजाती थी। पर पता नहीं किस्मत का ये कैसा खेल था, उसकी लकीरों से मेरी ही लकीरों का मेल था। मैट्रिमोनियल साइट पे मुझे वो मिला था। पर उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि वो एक एंटी सोशल था। मेरे हाथों पे उसके नाम का मेहंदी लगने ही वाला था कि मुझे अब इस शादी से मुकर जाना था अब सामने से मुझे उसे कुछ कहना था कि नहीं कर पाऊंगी शादी, एक ईगोइस्ट इंसान के साथ जिंदगी भर। अब तो ये सब कुछ कह ही दिया था, पर तब तक उसे मुझसे प्यार हो चुका था। मेरे अल्फाजों को उसने दिल से समझने की कोशिश नहीं किया था। उसे लगा कि उसके चेहरे की उन सफेद धब्बों की वजह से मैंने शादी से इनकार कर दिया था। उस वक्त मैंने उससे ये कहा था कि कभी इन सब सोच से निकल कर देखना, एक बार मुस्कुरा के बात करना इस खड़ूस से इंसान से एक हंसता हुआ इंसान को जन्म दे देना। शायद उस दिन से मेरी सारी बातें वो समझने लगा था। शादी नहीं हुई, पर हाँ, अब दोस्ती जरूर हो गया था। अब रोज वो मुस्कुरा के मुझसे बात किया करता था। मेरी छोटी बड़ी हर बातों का ध्यान रखा करता था। हाँ जी ये वही एंटी सोशल था जिससे अब मुझे प्यार हो गया था। शुक्रिया।